दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किए गए मेंबरशिप अभियान के तहत मोगा के वार्ड नंबर 10 में मंडल प्रधान वनी चोपड़ा की अध्यक्षता में मेंबरशिप कैंप लगाया गया, जिसमें विशेष तौर पर भाजपा प्रधान कमल शर्मा ने रिबन काटकर इस कैंप का शुभारंभ किया। इस मौके पर जीवन गुप्ता और डिस्ट्रिक्ट प्रधान राकेश शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पूरे देश में पार्टी की सदस्यता का महाभियान 1 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली में टोल फ्री नंबर से सदस्य बनकर शुरू किया। उसके बाद पंजाब में 17 नवंबर को जलंधर में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे और पार्टी के अभियान की प्रदेश की शुरुआत जलंधर से। पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह से कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। आज कल और परसों 3 दिन 5, 6 और 7 जितने कॉरपोरेशन के शहर हैं, 10 कॉरपोरेशन हैं पंजाब की, तो इन महानगर पालिकाओं में पार्टी की सदस्यता होगी। और जैसे यहाँ आज एक काउंटर लगा के कैंप लगा के पार्टी कर रही है, उसी प्रकार से सभी वार्ड इन 3 दिनों में पार्टी जाएगी और पार्टी की सदस्यता लोगों में आग्रह किया जाएगा कि पार्टी के मेंबर बने। तो मैं आज मोगा की सदस्यता की शुरुआत करने के लिए आया हूँ। जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब की सरकार चला रही है और हमारी दोनों पार्टियों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चंडीगढ़ में सप्ताह पहले हुई थी, इसमें यह निर्णय किया गया है कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, दोनों पार्टियां अपने निशान पर चुनाव लड़ेंगी और सीटों का जो बंटवारा है, वार्डों का जो बंटवारा है, वो स्थानीय स्तर पर किया कर लिया जाएगा।